नैना त्रिवेदी जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। मृत्युंजय भैया त्रिवेदी भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान से मैं कामना करूंगी हमारे भैया का जीवन सदैव कुशल मंगल में बना रहे। तो आज होता क्या है, जो भगवान कन्हैया है ना, तो बलराम के साथ में भक्त जा रहे, बलराम के साथ में। तो अब सुबह से शाम हो गई है, किसी गोपिका गोपिका से यानी वार्तालाप नहीं हुई है। तो भगवान कन्हैया सोच रहे हैं एक गोपिका मिल जाती, उससे हम कुछ बात कर लेते तो हमारा टाइम पास हो जाता। तो एक गोपिका मथुरा नगरिया की थी, भक्तों पानी भरवे के लिए आई थी। पानी भरवे के लिए तो उसी समय भगवान ने देखो कि एक लड़की जो है वो जल भर रही है। तो भक्तो अब क्या, अच्छा आयु बताओ आज का है, खमसनी काटती है हमारे, आज तो शांति बैठाओ, कल तो चले है जीवे है। आज भगवान कन्हैया ने जब उस लड़कीनी से कहा है कि जल पिला दो हमको, तो उस गोपिका ने जवाब दिया, अरे आप हमसे पानी पीने आए हो? अब बलराम जी ने जो इतना देखा और सुना, बलराम ने जवाब दी, कन्हैया एक कन्हैया, हाँ हाँ भैया क्या बात है, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया। तो देखिए बलदाऊ भैया सोचने लगे, ये कन्हैया जो है इसको हम बुलाते, जब अपने पास में बुलाया तो आगे बढ़े, तो आगे मिला कौन? शराबी धोबी। भक्तो शराबी धोबी जब मिला है ना, तो भगवान कन्हैया से जवाब दिया, ए तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रहते हो? तो कन्हैया ने कहा आप कहाँ रहते हो, हम तो यहीं रहते हैं, तो हम गोकुल नगरिया में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गोकुल नगरिया में ऐसे ऐसे वैसे लोग रहते हैं, हमको देखो कैसे कैसे वस्त्रों को पहने, नेता बन करके घूमते। और देखे शराबी धोबी जो है ना, कहता है कभी इसकी पीता हूं कभी उसकी पीता हूं, और पैसे लगा करके कभी पीता नहीं हूं। शराबी धोबी जो है, और शराबी लोग जो होते हैं उनकी दशा क्या होती है मिश्रा दादाजी? जो शराबी लोग होते हैं यहाँ पे, तो हमारे भैया लोग दादा लोग बहुत ही अच्छे हैं, कहीं कहीं जाओ यानी जाओ उदादन कथा कहे तो उनका शांति करत करत परेशान, जो भैया बैठा हो कथा सुनाओ, अरे दीदी हमारे पैसा बोल दो पैसा। तो यानी शराबी की हालत यानी दशा का होती आजकल, यानी शराब पी ले हैं 100 ग्राम अंदर तुरंत सिकंदर बने घूम रहे हैं, सिकंदर बने घूम रहे हैं। अब यानी उनके सिवा सोहेलिया गांव में यहाँ कोई है नहीं। एक भैया जी थे वो डिंग बहुत करते थे भक्तों, यानी अब शराब पी के लेटे का नाली मा नाली में यहाँ लेटे, यानी मुंह डब्बा फैलाए लेटे, मुंह डब्बा फैलाए लेटे। अब तब तक एक डॉगी आवा यानी कुत्ता, और टांग उठाई सी और यानी मुंह से भारी, तो वे शराबी भैया कहलाई। ऐसी देखो पूनम की मम्मी बड़ा नीक लागती है। तो देखिए शराबी कह रहा है, और पिलाई दे यार
और पिलाई दे यार जरा सी, और पिलाई दे यार जरा सी, पिलाई दे यार जरा सी, और पिलाई दे यार, और पिलाई दे यार, और पिलाई दे यार जरा सी, यानी वैसे ही शराबी धोबी है। हाँ, तो भगवान कन्हैया जो है ना वो बहुत प्रेम से बात कर रहे, बहुत ही प्रेम से बात कर रहे हैं, लेकिन शराबी धोबी है ना वो उल्टा सीधा बोलता जा रहा है, उल्टा सीधा उल्टा सीधा। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, शराबी धोबी मैं तुझसे बहुत प्रेम से बात कर रहा हूँ, तू उल्टा सीधा क्यों चल रहा है? हुआ क्या? मैं सीधी साधी बात करूं तो उल्टा सीधा चलता है, मैं सीधी साधी बात करूं तो उल्टा सीधा चलता है, मेरे इन मीठे बचनों पर ना लायक जहर उगलता है, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मैं सीधी साधी बात करूं तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे इन मीठे बचनों पर तू नालायक जहर उगलता है। तो देखिए भगवान कन्हैया ने करू का एक तमाचा मारा है शराबी धोबी, एक तमाचा जब मारा है तो शराबी धोबी जो है इस लोक को छोड़कर के परलोक को चला जाता है। ये शराबी धोबी जो है था कौन? त्रेता युग में जिसने मैया सीता को वनवास दिया था भक्तों, ये वही धोबी है। इधर जो कपड़े हैं तो सोच रहे हैं अब इनको हम पहने कैसे। अब भगवान कन्हैया जितने ग्वाल हैं यानी सब लोग तो कपड़े वो पहन रहे हैं वस्त्रों को, पैजामे को जामा माना। जब वस्त्रों को पहन रहे हैं, पैजामे को जामा माना, जामा पैजामा बना लिया, जो जामा है उसको पैरों में पहन रहे भगवान कन्हैया जितने लोग हैं। तो भक्तों बालक नाम का दर्जी वहां पे रहता था, बालक नाम का दर्जी जब आया है तो भगवान के पास में जो वस्त्र थे ना तो वस्त्रों को सही किया है बालक नाम के दर्जी ने, और जब वस्त्रों को भैया
सही किया है ना दर्जी ने, तो वस्त्रों को पहना है। वस्त्रों को जब पहनते हैं तब आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो एक सुदामा माली मिला है भक्तों। सुदामा माली कौन सा? आगे मिला सुदामा माली, फूलन माल गले में डारी।